Hello guys, welcome back to my channel. I'm here with you all with a new video. As you have already seen in my thumbnail and title, what I am going to discuss today. हम आज बात करने वाले हैं मेकअप में क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए और कैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए. So it's just like a do's and don'ts for the makeup, and this video is specially for the beginners. जो भी beginners अभी learn कर रहे हैं makeup सीखना या चाहते हैं कि हम makeup करने का कुछ tips ले सकें, so watch my videos. It may help you out, and watch this video also so you can see this video and learn it by yourself, and I may help you in this. So, and let's just not waste the time and start this video. So, let's go and start. करेंगे डूज के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. सो पहले स्टार्ट करते हैं डूज से. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट डू. सो मॉइस्चर योर स्किन. काफ़ी जनों का यही होता है कि मेकअप जस्ट स्टार्ट कर देते हैं लगाना, उनको लगता है कि जस्ट मेकअप स्टार्ट कर देते हैं, प्राइमर यूज़ किया और मेकअप स्टार्ट कर देते हैं. इट्स ओके इफ़ यू यूज़ प्राइमर, बट स्टार्ट यूजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जस्ट बिकॉज मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमें स्किन टाइप से यूज़ करनी पड़ती है. पहली चीज़ तो कौन सी स्किन टाइप है आपकी, अगर आपको नहीं पता है सो यू कैन गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी स्किन टाइप हो सकती है आपकी. एंड अगर आपको नहीं पता है उस बारे में सो जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियो एंड कम बैक अगेन. सो लेट्स बैक टू द टॉपिक कि आपको अगर पता है आपकी कौन सी स्किन है तो उसके बाद आप उस टाइप की अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो. और उसके बाद में आपको अपने मेकअप से पहले फेस वॉश करने के बाद आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मैं यूज़ करती हूँ लाइट पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम. और अगर आपकी जो भी स्किन है आप वैसे टाइप से यूज़ कर सकते हो कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आपको जो भी प्रेफर करता हो. जो भी आपकी फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो आप स्टार्ट कर दें यूज़ करना. जो भी बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ ये चीज़. और जो अगर नहीं भी बिगनर्स हैं, जिन्हें नहीं भी पता है, सो दिस मे हेल्प यू आउट कि आप स्टार्टिंग में मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने स्किन बेस से ही लगाएं और अपने स्किन का इस चीज़ में ध्यान रखें कि कौन सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको लगानी चाहिए. सो दिस वॉज फर्स्ट डू. सो सेकेंड डू ये हो सकता है कि जो बिगनर्स होते हैं दे डोंट बाय ब्रशेज एंड दे डोंट बाय स्पॉन्ज टू यूज़ इट और पफ टू यूज़ इट. सो आई प्रेफर कि आप लोग अपने लिए एक स्पंज, एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं. दिस मे हेल्प यू आउट कि आप अच्छे से अपना मेकअप लगा सकें, अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ. एक्चुअली अच्छे से ब्लेंड भी होता है, अच्छे से ब्रशेज से यूज़ भी होता है. एंड हैंड्स का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा. आप कितना भी फाउंडेशन लगा दोगे वो ढंग से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं स्पॉट दिखेंगे. सो दिस कैन बी अ रीज़न. अ सेकेंड रीज़न कैन बी कि हमारे हाथ में बहुत सारे डस्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, यू नेवर नो. आपने हैंड वॉश भी करनी हो, कुछ भी किया हो, आप डायरेक्टली मेकअप अपने स्किन पर लगा रहे हो तो दिस मे कॉज बैक्टीरिया ऑन योर स्किन. आपके स्किन पर भी बैक्टीरियाज लग सकते हैं. सो अवॉइड यूजिंग विद योर हैंड्स योर मेकअप. ठीक है, जब भी आप मेकअप रिमूव करें तो ट्राई करें कि एक अच्छा मेकअप क्लीनर हो या अच्छा मेकअप फेस वॉश हो. और अच्छा फेस वॉश हो, फेस वॉश कर भी रहे हैं तो यूज़ थोड़ा अच्छा फेस वॉश सो दैट वो डायरेक्ट अपने फेस को ड्राई नहीं कर दे, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा लगाने के बाद हमारा फेस ड्राई भी होने लग जाता है. सो ट्राई करें कि अपना फेस अच्छे फेस वॉश से वॉश करें आफ्टर पुटिंग योर मेकअप ऑन. सो फोर्थ इज़ बाय अ गुड प्रोडक्ट. अगर आप कोई भी मेकअप बाय करें सो बाय अ गुड प्रोडक्ट जो अच्छा खासा हो, जो लाइक ओरिजिनल हो. ऐसा नहीं हो जो आपकी स्किन को बुरा इफेक्ट दे दे और फिर बाद में आपकी स्किन धीरे धीरे ख़राब होने लग जाए. सो अवॉइड ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका मेकअप
अच्छा होना चाहिए, चेक करें वो एक्सपायरी नहीं हो। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो वो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, सो उससे ज़्यादा यूज़ मत करें जस्ट बिकॉज़ वो हमारा कहीं ना कहीं हमें बुरा इफ़ेक्ट कर सकता है इन योर स्किन टाइप। लाइक सपोज वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ यूज्ड ओल्ड मस्कारा, उसने काफ़ी पुराना एक मस्कारा यूज़ कर लिया अपने आईज़ पे और उसकी आई लैशेज फॉल होने लग गई। सो इट्स जस्ट बिकॉज कि आप एक्सपायरी डेट्स नहीं देखते हो। एक्सपायरी डेट होगी तो वो सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज आप अपने स्किन के लिए कोई भी ख़राब चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ट्राई टू यूज़ गुड मेकअप ऑन योर फेस, ऑन योर स्किन, सो दैट इट मे नॉट कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट टू योर फेस। So this was all about the do's, you have to take care of it. So let's just talk about the don'ts which you have to note it down. Don't use the product which is not right for your skin. अगर आपको नहीं पता है आपकी स्किन कौन सी है, सो जिससे भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो शायद उन्हें उन्हें पता होगा या अपने स्किन टाइप के बारे में आप खुद ही पता कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बोला था, मेरा ऑलरेडी पे वीडियो बना हुआ है स्किन टाइप्स पे, सो आप जाके वो वॉच कर सकते हैं सो दैट आपको पता चले कि आपकी स्किन कौन सी टाइप की है। चूज़ राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट स्किन, क्योंकि ये स्किन का मामला है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे वो बॉयज़ के लिए हो। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। आप नॉर्मल से क्रीम भी लेते हो तो ट्राई करो आप अपनी स्किन के टाइप पे ही लो। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ले रहे हो बहुत केकी वाला फाउंडेशन या स्टिकी फाउंडेशन बोल सकते हैं, सो दिस मे मेक योर मेकअप लुक वेरी बैड ऑन योर फेस एंड इट विल ऑल्सो मेक योर मेकअप ग्रे। सो चूज़ गुड प्रोडक्ट। एंड द सेकेंड डोंट इज डोंट स्लीप इन योर मेकअप। हम जब भी बाहर पार्टी से आते हैं वी फील टायर्ड, बट मेक श्योर जब भी आप पार्टी से आए हैं, कोई भी छोटे मोटे फंक्शन से आए हैं, फैमिली फंक्शन से आए, कहीं से भी आए, अगर आपके फेस पे मेकअप है तो उसको पहले रिमूव करो एंड देन गो टू स्लीप, बिकॉज पूरी रात में वो मेकअप हमारा स्किन को ख़राब कर सकता है। तो इट्स बेटर आप मेकअप अच्छे से रिमूव कर दें, और आप चाहते हैं आपका मेकअप हटाने के बाद वो स्किन ड्राई नहीं लगे, तो पुट सम मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड देन गो टू स्लीप। डोंट डायरेक्टली गो एंड स्लीप विद योर मेकअप ऑन, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। डू नॉट अप्लाई मेकअप विद योर फिंगर्स, ओके? आप अपने लिए ब्रश स्पंजेस परचेज कर लें और फिर अपने हैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ब्रशेस और स्पॉन्जेस से ही मेकअप यूज़ करें। नाउ डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड योर मेकअप। जब भी आप मेकअप लगाते हैं तो उसे ब्लेंड करना नहीं बोले, ब्लेंड इन द सेंस उसको जैसे किसी किसी का फाउंडेशन नज़र आता है, किसी किसी का लूज पाउडर नज़र आता है, सो इट्स जस्ट बिकॉज कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं। जब तक वो ब्लेंड नहीं होगा तब तक आपको वो मेकअप दिखेगा, और जब तक वो ब्लेंड नहीं होगा तो आपका मेकअप ग्रे होने के फुल चांसेस है कि आपका मेकअप ग्रे हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है। सो इट्स कैन बी द रीज़न आपका मेकअप ग्रे हो रहा है, तो आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हो, उसको अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो। सो अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान नहीं रखोगे तो आपका मेकअप परफेक्ट होने के कम चांसेस होते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट, तब जाकर आपका धीरे धीरे मेकअप परफेक्ट होने लगता है। सो ट्राई कि आप अपने मेकअप को ब्लेंड करो। काफ़ी का यहाँ पे हम कॉन्टोर करते हैं, ब्लशर लगाते हैं या हाइलाइटर यूज़ करते हैं, तो वो तीनों चीज़ें अलग अलग दिख रही होती है, तो वो चीज़ें अलग नहीं दिखें, एक ही शैडो में दिखें, कि वो आपका एक नेचुरल बेस है, तो आपका खुद का कैनवस दिखना चाहिए, ये आपका खुद का फेस है। सो ट्राई कि वो ऐसा लगे, तो मेक इट परफेक्ट, मेक इट ब्लेंडेड, एंड आपका फेस जितना स्किन मेकअप पे मेकअप जितना आपकी स्किन पे लगा हुआ है उतना ब्लेंड होगा, तो उतना परफेक्ट लगेगा। डोंट फॉरगेट टू पुट मस्कारा। जैसे आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करते हो तो यू पुट मस्कारा एंड इट लुक्स, एंड कभी आपने देखा वो एक आईज़ को एक अलग ही शार्पनेस दे देता है, एक आईज़ को एक बहुत सुंदर सा लुक दे देता है,
अगर आप कहीं भी जाएं और आपको लग रहा है कि आप मेरा मेकअप करने का बिल्कुल, सो गो एंड ट्राई अ नॉर्मल फाउंडेशन और नॉर्मल लूज पाउडर अप्लाई करके आप हल्का सा मस्कारा लगा दो और एक डार्क कलर की लिपस्टिक लगा दो और वट एवर यू विश टू पुट अ लिपस्टिक, इफ़ आपकी आई सिंपल है तो मेक इट कि आपकी लिपस्टिक थोड़ी डार्क हो. सो दिस कैन बी अ रीज़न. तो मस्कारा अच्छा लगता है जब आपकी आईज बहुत सिंपल हो, अच्छी हो, तो मस्कारा एक अलग ही लुक दे देता है. तो डोंट फॉरगेट टू पुट मस्कारा ऑन. सो दिस वर ऑल डूज एंड डोंट्स. आई थिंक इट मेड, सो आई होप इट इट हेल्प यू, एंड इफ इट रियली हेल्प यू सो डू कमेंट एंड लेट मी नो इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन बिलो. And please do share it to your friends, to your neighborhoods, to your family members, so that they can also try this do's and don'ts at their places. And this were some of the do's and don'ts you have to take care of to make it perfect. So do like, share, comment and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. And please, please, please do let me know in the comment section below if you really like this video and it helped you. So stay tuned and stay connected with me for more video like this, and see you in my next video, guys.